हेलो बच्चों, बोर्ड आवे यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखिए, हम 50 आपके एमसीक्यूज करवा दे रहा हूँ। जल्दी से देख लीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही कम से कम मैं बोल रहा हूँ कि 25 से 30 आपके क्या करवा दूँगा, आपके सब्जेक्टिव का भी इसी वीडियो में प्रिपरेशन करवा दूँगा। तो थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा, तो लगभग 50 और 20-30 मतलब लगभग 70 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन हो जाएंगी। एग्जाम में बहुत ही आपको काम देगा, सब्जेक्टिव भी करवा दूंगा और ऑब्जेक्टिव भी, और लगभग सभी चैप्टर से हैं, सभी चैप्टर से मिक्स हैं। तो इससे क्या होगा ना कि आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए देखते, बिना लेट किए हुए फिर से मैं बोल रहा हूँ, वीडियो पूरा देख लेना, है ना। पहले भी मैंने 2 सेट और करवा दिया हूँ, 2 सेट जो मैंने करवाया वो जरूर कर लेना। अभी इसमें सब्जेक्टिव भी मैंने ऐड कर दिया है, इसी तरह एग्जाम में देखने को मिलेगा। हु हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म, निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का पद सी हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। किसने दिया है, ग्रिफिथ टेलर, क्या हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, सेकेंड नंबर देखिए, पूछा व्हाट काइंड ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड इन द अमेजन रिवर बेसिन, है ना, अमेजन नदी बेसिन पर किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड का सी हो जाएगा, विरल जनसंख्या। देखिए अमेजन बसी नदी बेसिन क्या है, बहुत ही विरल जगह यहाँ पे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ही आर्द्र जलवायु है और बहुत ही प्रतिकूल है। जो इस तरह का मतलब जलवायु होना चाहिए वैसा नहीं है, लोगों को रहने के लिए अनुकूल नहीं है, बहुत वर्षा भी होता है, तो क्या हो जाएगा, विरल जनसंख्या। आगे देखिए, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर कम्युनिकेशन सर्विस, रेल और जो एरोप्लेन है ये परिवहन में आता है, परिवहन में आता है ना, परिवहन के लिए आता है, ट्रांसपोर्ट में आता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा कम्युनिकेशन के लिए, तो क्या हो जाएगा, इंटरनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 में देखिए, इन विच कंट्री इज़ द ट्रांस साइबेरियन रेलवे लोकेटेड, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस मतलब देश में स्थित है, तो 4 का क्या हो जाएगा, सी रूस में, कहाँ है, रसिया में है आपका स्थित, कहाँ है, रसिया में, याद रखिएगा। 5th नंबर देखिए, पूछ रहा है वेन वाज द फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो आधिकारिक रूप से याद रखिए, आधिकारिक रूप से 1881 में क्या हुआ था, पहली जनगणना, फर्स्ट सेंसस हुआ था। 6th नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है विच स्टेट हैज द हाइस्ट पॉवर्टी इन इंडिया, भारत में सबसे अधिक गरीबी किस राज्य में, तो किस में है, 6 का क्या हो जाएगा, ए बिहार, बिहार सबसे गरीब राज्य में आता है, याद रखिएगा। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है वेयर इज शुगर कैन प्रोड्यूस्ड मोस्ट, भारत में गन्ना सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, मतलब होता है, तो गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, इंडिया में हुआ होता है, ठीक है, याद रखिएगा, गन्ना की बात कर रहा है। डायमंड हार्बर किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी पर स्थित है, सिचुएटेड कहाँ है, तो क्या हो जाएगा, 8 का बी हो जाएगा, हुगली नदी के किनारे पर स्थित है, कहाँ, हुगली नदी, याद रखिएगा। फिर देखिए 9th नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है द रॉ मटेरियल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, बोलते हैं निम्न किस कच्चा उद्योग वन से प्राप्त होता है, वन से उद्योग किसका प्राप्त होता है, पेपर इंडस्ट्री का, और क्या बोलते हैं जिसको, लकड़ी वाला इंडस्ट्री का, तो पेपर इंडस्ट्री, कागज उद्योग कहाँ से होता है, कागज और लकड़ी, ये हमें वन से मिलते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेरस मिनरल, बोलता है कि कौन से फेरस मतलब Fe के लिए कौन से मिनरल लगेंगे, तो देखिए मैग्नीज, याद रखिएगा ये आपका क्वेश्चन आ जाता है, मैग्नीज, कोबाल्ट, कोबाल्ट और निकेल, अगर ये तीनों में से कोई रहेगा तो वही आपका क्या है, लोहा में ये तीनों का जरूरत पड़ता है, तो फेरस मिनरल में यही तीनों आता है, याद रखिएगा, लोहयुक्त खनिज, किसको बोलते हैं, लोहयुक्त खनिज, 3 मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, तो यहाँ पे निकेल दिया हुआ हमारा, तो निकेल आंसर सही हो जाएगा, तो खब्बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो इस तरह से देखिए 10 क्वेश्चन करा दिया, और तो ये जल्दी जल्दी मैं करवा देता हूँ आप लोग को, आप देखिए यहाँ पे और भी जल्दी जल्दी मैं कर देता हूँ आप लोग के, निम्न में से किसका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं किया जाता, किसका नहीं किया जाता आर्थिक भूगोल के अंतर्गत, तो चिकित्सा भूगोल का, किसका, चिकित्सा भूगोल। सेकेंड क्वेश्चन देखिए पूछा है कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस शाखा पर किस शाखा का भाग है, तो क्या हो जाएगा, राजनीतिक भूगोल। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, और कितने सही होते हैं आपके वो भी कमेंट कीजिएगा कि कितना सही किया आप लोग, जल्दी जल्दी कीजिएगा। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, तो यहाँ पर सभी ऑप्शन गलत है, 7.9% आपका सही आंसर होगा। आगे देखिए जनसंख्या कार्य में विश्व में ब्राजील का स्थान कौन सा, तो ब्राजील का 5वां स्थान, याद रखिएगा, भारत का 7वां स्थान है, कितना, भारत का 7वां स्थान है, याद रखिएगा, जनसंख्या आधार पर अभी भारत का पहला स्थान आ गया है, ठीक है, पहले द्वितीय स्थान था, अभी शायद पहला स्थान आ गया, और 5वां स्थान है ब्राजील का, ये जनसंख्या पे पूछ रहा है, अगर क्षेत्रफल से पूछेगा तो याद रखिएगा क्षेत्रफल से भारत का 7वां स्थान है, कितना है, 7वां, ठीक है। और आगे देखते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, भू आकृति भी करता है, जल की उपलब्धता भी करता है, जलवायु भी करता है, इनमें से सभी, ठीक है, तो जनसंख्या वितरण को इनमें से सभी हो जाएगा। ईसा की पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो क्या इतना हो जाएगा, 30 करोड़ से कम, याद रखिएगा, ईसा से पहली शताब्दी की बात कर रहा है, तो 30 करोड़ से कम जनसंख्या थी। थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत को किस वर्ष प्रतिपादन किया था, तो क्या क्या था, 1798 ईस्वी में इन्होंने अपना पहल मतलब कि सिद्धांत दिया था। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक मतलब कि
आर्थिक कारण है, तो यहाँ पे आर्थिक कारक को जाया जाएगा खनिज हो जाएगा। अर्थ खनिज से भी होता है कि जनसंख्या वितरण प्रभावित होता है, तो यहाँ पे आर्थिक कारण पूछेगा तो खनिज हो जाएगा। जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त जनसंख्या आकार को परिवर्तित करने वाले कारक कौन है, तो क्या हो जाएगा, प्रवास भी होता है, अप्रवास भी होता है, रुतप्रवास भी होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 2025 तक विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी, तो 2025 तक लगभग जनसंख्या भारत मतलब कि पूरे विश्व की 800 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, विश्व में कितने देशों का लिंग अनुपात प्रतिकूल है, प्रतिकूल मतलब कि ठीक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 72 देशों का प्रतिकूल है। आगे देखिए, निम्न में से किस देश का लिंगानुपात पिरामिड घंटी के आकार का है, तो पिरामिड घंटी के आकार का ऑस्ट्रेलिया का लिंगानुपात है, आयु लिंग है। ठीक है, आयु लिंग। आगे देखिए, विकसित देशों में कौन सी क्रिया सबसे कम की जाती है, तो विकसित देशों में सबसे कम क्या हो जाती है, प्राथमिक क्रिया सबसे कम की जाती है। आगे देखिए, संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष वाले पिरामिड किस तरह की स्थिति को दर्शाते हैं, है ना, शुंडाकार शीर्ष वाले पिरामिड और संकीर्ण आधार क्या हो जाएगा, निम्न जन्म और मृत्यु दर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ है, मानव विकास का स्तंभ क्या हो जाएगा, समता भी है, उत्पादकता भी है, सतत पोषणीयता भी है, क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बोल रहा है मानव विकास सूचकांक अगर इतना इतना के बीच का स्तर क्या कहलाता है, तो इतने बीच का स्तर क्या कहलाता है, उच्च सूचकांक कहलाता है। ठीक है, आप लोग सूचकांक एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उच्च मानव विकास समूह में कितने देश आते हैं, तो देख लीजिए 53 देश आते हैं उच्च मानव विकास में, मानव विकास सूचकांक। भारत का किस राज्य का स्तर बेहतर है, तो सब केरल सबसे अच्छा बेहतर है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा विन्यास के आधार पर ग्राम का प्रकार नहीं है, तो ग्राम का प्रकार पशुपालक ग्राम नहीं है। ठीक है, और सब प्रैक्टिस कर लीजिए सारे। च्युइंगम किस वृक्ष से प्राप्त होता है, तो जेपोटा वृक्ष से आप लोग का च्युइंगम प्राप्त होता है। आगे देखिए, रेनडियर कहाँ पाया जाता है, तो रेनडियर कहाँ पाया जाता है, रेनडियर जो आप लोग का जो हिरन है वो कहाँ पाया जाता है, आर्कटिक और उपध्रुवीय क्षेत्रों में। ठीक है, आगे देखिए, पूछ रहे निकेत में से कौन सा शीतोष्ण घास मैदान का मतलब उदाहरण नहीं है, तो मानसूनी प्रदेश हो जाएगा, मानसूनी प्रदेश। फजेंडा शब्द का प्रयोग किस फसल के बगान के लिए किया जाता है, कॉफी बगान में फजेंडा का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, किस कृषि प्रणाली में सर्वाधिक कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं, तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा कुटीर उद्योग का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा, पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन आपके कुटीर उद्योग के, जो कि घर में छोटे मात्रा में किया जा सकता है। भारत में कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है, तो सार्वजनिक क्षेत्र यहाँ पर पूछ रहा है मतलब सरकारी नहीं है, तो सरकारी कौन नहीं है, टिस्को। ठीक है, आगे देखिए, क्या पूछ रहा है कि संचार किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है, तो संचार तृतीयक में आता है, याद रखिएगा तृतीयक। इनमें से कौन सी क्रिया चतुर्थक क्रिया के अंतर्गत आती है, तो चतुर्थक के अंदर क्या आती है, अनुसंधान सूचना और प्रौद्योगिकी। ठीक है, आगे देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय किस रूप में देखा है, तो किस रूप में देखा है, स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में। लामा मुख्यतः किस पर्वतीय भागों में पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, एंडीज पर्वत, क्या हो जाएगा, एंडीज। यूनानी शब्द मेगालोपिलिस का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जीन गॉडमैन ने किया था। ठीक है, जो गांव झीलों तालाबों आदि के चारों और बस्ती जाने के से विकसित होते कौन सा है ना प्रतिरूप कहलाते हैं, तो क्या हो जाता है, वृत्ताकार, है ना, चारों और जो विकसित हो जाता है तो क्या होता है, वृत्ताकार, गांव के या बस्ती के चारों तरफ ऐसे ऐसे विकसित हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, तो वृत्ताकार। भारत में कौन सा नगरीय क्षेत्र में छावनी बोर्ड स्थित नहीं है, तो धनबाद। ठीक है, यहाँ पे छावनी बोर्ड स्थित नहीं है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा नियोजित नगर का उदाहरण है, तो कैनबरा नियोजित नगर है। आगे देखिए, मर्काटो विकसित बाजार किस महादेश में स्थित है, तो क्या हो जाएगा, अफ्रीका, क्या हो जाएगा, अफ्रीका, क्या हो जाएगा, अफ्रीका। आगे देखिए, पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा नगर की योजना किसने बनाई, तो वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने बनाई। आगे देखिए, 97 में पूछ रहा है कि शिकागो शहर किस देश में स्थित है, तो क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इनमें से एक द्वितीयक क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो कपड़ा उद्योग, ये सभी आपके द्वितीयक या तृतीयक में, ये आता है आपका तृतीयक में, बाकी द्वितीयक उदाहरण में मतलब आता है, तो सेवा क्षेत्र आंसर हो जाएगा 38 का सी। इनमें से कौन सा सांस्कृतिक नगर है, तो सांस्कृतिक नगर प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है, और 40 नंबर में देखिए, अमूलवादी रेडिकल विचारधारा ने निर्धरता के कारण बंधन और सामाजिकता को असामाजिकता को व्याख्यान के लिए किसका सिद्धांत का प्रयोग किया था, क्या हो जाएगा, मार्क्स, क्या हो जाएगा, मार्क्स, तो इसका आंसर हो जाएगा का। ठीक है, तो देखिए 40 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लगभग 50 MCQ आप लोगों को करवा दिया। अब चलिए आपको सब्जेक्टिव करवा देता हूँ, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों, आप हमारे अगर टेलीग्राम ग्रुप से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएँ, मैं यही कहूँगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है, और अगर लिंक से नहीं जुड़ पा रहे तो नाम लिख के सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में, क्या नाम लिखिएगा, बोर्ड आभा, BOARD, बोर्ड, फिर स्पेस देके लिखिएगा आभा, चैनल का नाम AABHA, बोर्ड आभा, ब्रैकेट देके जैक लिखिएगा, है ना, जैक बोर्ड, उसी के आगे लिखिएगा बच्चों जैक बोर्ड, और ऐसे लिख के सर्च कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों, देखिए सबसे फर्स्ट में क्या पूछा है कि भारत में लिंग अनुपात घटने के कोई 2 कारण बताने हैं। लिंगानुपात में पहले आपको बता देता हूं कि 1000 पुरुष होते हैं, 1000 पुरुष में जितनी महिलाएं होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंगानुपात। जैसे 1000 पुरुष में आपका अगर 1000 महिला है,
तो आपका अनुपात क्या होगा, 1:1 हो जाएगा। समझ मा रहा मैं क्या कर रहा हूँ? अगर 1000 पुरुष में आपकी 900 महिलाएं हैं, है ना, तो कट जाएगा 2 0 से 2 0, तो अनुपात क्या आ जाएगा, 10:9 हो जाएगा। तो उसी को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं बच्चों। तो लिंगानुपात भारत में घटने का कारण क्या है बच्चों, तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन पार्ट पर ले चलते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है कि भारत में आपका क्यों घट रहा है। देखिए भारत में घटते लिंगानुपात के कोई दो कारण बताने थे। देखिए भारत में बच्चों में घटते लिंगानुपात के कोई दो कारण निम्नलिखित हैं, है ना, इसको आप पढ़िए। देखिए मैं छोटा कर दे रहा हूँ, है ना। आधुनिक चिकित्सा पद्धति के मौजूदगी जैसे अल्ट्रासाउंड इत्यादि की मदद से बच्चों के लिंग का पता चल जाने के कारण पितृसत्तात्मक जो सोच है बच्चों, जिसके कारण भ्रूण हत्या जैसे कदम उठते हैं, जिससे कि क्या होता है, लिंगानुपात घटता है। दूसरा रीजन देखिए बच्चों, भारत शुरू से ही एक प्रधान देश है, पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पर पुरुषों को हमेशा से ही महिलाओं से ऊँचा दर्जा दिया गया है, है ना। आज भी अनेकों स्थानों पर महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं है, यही कारण है लिंगानुपात घटने का, है ना। तो आप बच्चों इसको आप नोटबुक में कॉपी में अपने उतारते जाइए, कॉपी आप जरूर से निकाल के रखिए जब मैं ये वीडियो ले रहा हूँ, है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलते बच्चों। सेकंड में क्या पूछ रहा है कि भारत में जल प्रदूषण के किन्हीं दो स्रोतों का उल्लेख कीजिए, है ना बच्चों। जल प्रदूषण क्या होता है, जल में जो हो जाता है गंदगी उसी को जल प्रदूषण बोलते हैं। इसके दो मुख्य स्रोत भारत में कौन से हैं उस पर लिखना है बच्चों। तो चलिए बच्चों हम लोग ले जाते हैं आपको। तो देखिए बच्चों भारत में जल प्रदूषण के दो मुख्य कारक क्या स्रोत हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले घरेलू सीवेज। घरेलू सीवेज का मतलब समझ में आ रहा है, घर का जो गंदगी जो आपको नालों से बह के जाता है, घर के नालों से, उसी को घरेलू सीवेज कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए दिया हुआ है, घरों से छोड़ा गया अपशिष्ट जल तथा सफाई सीवेज वाला जल। और दूसरा देखिए बच्चों कृषि प्रवाह भी है, जैसे कृषि क्षेत्रों का ये दूसरा कारण है। कृषि क्षेत्रों का भूजल जहाँ पर रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुर प्रयोग हुआ है उसको बहा दिया जाता है, जिससे कि जमीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाता है, और जल में जब जाते हैं बच्चों तो जल को भी प्रदूषित करते हैं। तीसरा देखिए एक और कारण आप लोग अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, औद्योगिक बहसराव, है ना, जिसके कारण उद्योगों में विनिर्माण का जो कार्य होता है, है ना, बिल्डिंग बनाने का, तो कुछ रसायन बनाने का, तो इसके कारण अपशिष्ट जल में ये छोड़ दिए जाते हैं, जिससे भी होता है। तो आपको मैंने दूसरा का भी आंसर बता दिया बच्चों। थर्ड में देखिए पूछ रहा है बच्चों कि मुंबई हाई और सागर सम्राट क्यों प्रसिद्ध है, है ना। तो मुंबई हाई और सागर सम्राट क्यों प्रसिद्ध है बच्चों, तो देख लीजिए, है ना, मुंबई हाई और सागर सम्राट दोनों तेल खनन के लिए प्रसिद्ध है ना। मुंबई हाई भारत के मुंबई शहर में 176 किलोमीटर दूर समुद्र में खंभात की खाड़ी में स्थित एक तेल खनन क्षेत्र है बच्चों। मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल विधक क्षेत्र है जो अरब सागर में खंभात की खाड़ी में स्थित है, है ना बच्चों। तो यहाँ पर भारत की प्रमुख तेल शोधक का सरकारी कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस, यहीं तक लिखिएगा आप बच्चों, चलेगा, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यहाँ तक लिख दीजिएगा, आपका काम चल जाएगा, ठीक है, आगे आपका मन है लिख सकते हैं, है ना। और आगे देखिए बच्चों, और सागर सम्राट क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, देख लीजिए, सागर सम्राट इसी क्षेत्र में स्थित एक तेल वेधक जहाज है बच्चों, जो समुद्र से तेल को खनन की क्रिया को करता है। तो ये भी दोनों को आप याद रखिएगा। अगला देखिए बच्चों पूछ रहा है कि द्वितीयक आर्थिक क्रिया क्या का अर्थ है, है ना, द्वितीयक आर्थिक क्रिया का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है बच्चों। देखिए क्या यहाँ पे लिखना है कि द्वितीयक क्रियाएं विनिर्माण, जैसे जहाँ किसी वस्तु का उत्पादन हुआ है ना, जैसे कपड़ा, ब्रेड इत्यादि, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति इत्यादि से संबंधित कोई भी कार्य भी द्वितीयक क्रियाओं में सम्मिलित किए जाते हैं। समझ में आया बच्चों। और देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि स्थानांतरित खेती जो होता है ना बच्चों, जिसमें जगह बदल बदल के खेती किया जाता था, झूम खेती, उसका क्या अर्थ है यहाँ पूछ रहा है। तो देखिए बच्चों इसका क्या आंसर होगा कि स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है, है ना, जिससे पहले वृक्षों एवं वनस्पतियों को काटकर जला दिया जाता है और फिर उसको साफ किए हुए पुराने, है ना, साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों जैसे लकड़ी, हलों की जगह मदद से जुताई करके बीज बो दिए जाते थे, है ना बच्चों। और आपको पता होगा कि ऐसी जगह में मिट्टी ज़्यादा उर्वर रहती है। देखिए लिखा हुआ है मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है, इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात कुछ दिनों, मतलब कि 2-3 बार वहाँ पर फसल करके उस भूमि को छोड़ दिया जाता था बच्चों, है ना, जिसके कारण फिर से वहाँ पर वनस्पति उग जाते थे, है ना। तो ये आपका झूम खेती हो गया, ऐसे स्थानांतरित खेती भी बोलते हैं, जगह बदल बदल कर खेती करना। 33 नंबर में देखिए बच्चों पूछ रहा है जनसंख्या घनत्व क्या है। जनसंख्या घनत्व मैंने आपको समझा भी दिया था पुराना वीडियो में, फिर भी एक बार देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग, दिख रहा है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह एक अशोधित मापन है जिसे अंक गणितीय घनत्व के तौर पर संदर्भित किया जाता है। यह अशोधित इसलिए क्योंकि जनसंख्या घनत्व की गणना करने में देश के पूरे क्षेत्र को शामिल किया जाता है। देखिए बच्चों जनसंख्या घनत्व क्या क्या जाता है, पूरे देश की जनसंख्या को लिख ऊपर लिख दिया जाता है, जनसंख्या को, पूरे देश की जनसंख्या को लिख के उसे उस देश के क्षेत्रफल से भाग दे दिया जाता है, उस देश का क्षेत्रफल से। तो उससे क्या पता चलता है बच्चों कि एक वर्ग किलोमीटर, मतलब एक किलोमीटर स्क्वायर, एक वर्ग किलोमीटर जिसको आप हिंदी में लिख सकते हैं एक वर्ग किलोमीटर, है ना,
में कितने आदमी वास करते हैं। इंडिया का आपको पता होगा बच्चों 382 व्यक्ति रहते हैं कितने में, एक वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, मतलब एक किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। लास्ट में देखिए बच्चों पूछ रहा है कि प्रवास के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं बच्चों, चलिए हम इसका भी आंसर आपको बता देते हैं कि प्रवास के दो मुख्य कौन से हैं प्रकार। तो देखिए बच्चों प्रवास के सामान्य प्रकार एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकार को आंतरिक प्रवास होता है और एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो आंतरिक प्रवास में होता है बच्चों कि एक राष्ट्र के लोगों को उसी राष्ट्र के अंदर किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जाना आंतरिक प्रवास कहलाता है बच्चों। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों का मध्य प्रदेश आकर बसना है ना, समझ में आ रहा है, एक बार पढ़ लीजिए, गाँव से नगरों की ओर प्रवास, एक ग्राम से दूसरे ग्राम की ओर प्रवास। और दूसरा क्या है बच्चों, देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवास ऐसा प्रवास जहां राष्ट्र की सीमाओं को लांघकर दूसरे राष्ट्र की सीमाओं में होता है, जब कोई व्यक्ति या समूह एक राजनीतिक राष्ट्रीय सीमा को पार कर दूसरी राजनीतिक सीमा में चला जाता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं बच्चों। तो इस तरह से बच्चों मैंने यहां पे आपका जो सातों था मैंने करवा दिया। देखिए गाइस सभी चैप्टर से मिक्स में आप लोगों को करवा दे रहा हूं सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस, तो आप लोग अच्छे से कर लीजिए, ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों, तो भारत में निवल बोए गए क्षेत्र में बढ़ोतरी की संभावनाएं सीमित है ना, अतः भूमि बचत प्रौद्योगिकी विकसित करना आज अत्यंत आवश्यक हो गया है ना, क्योंकि देखिए निवल बोए गए क्षेत्र में बढ़ोतरी अब संभावनाएं सीमित है क्योंकि अब ज्यादा जमीन बचा नहीं है। तो क्या है कि भूमि बचत प्रौद्योगिकी विकसित करना क्या हो गया, जरूरी हो गया, जिसमें प्रति इकाई फूलों में भूमि में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है ना कि जैसे इस एरिया में अगर पहले दो बोरा मतलब कि धान निकलता था, तो कोशिश किया जाता है कि अब उपज 3 बोरा तक लेके जाया जाए, वो चीज़ है ना। साथ ही गहन भू उपयोग से 1 वर्ष में अधिकतम फसलें उगाई जाती है, वही मैंने बताया आपको। अब आगे देखिए शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में क्या अंतर है, ये सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। शुष्क कृषि या कृषि भारत के उन शुष्क भूभागों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा क्या होता है 75 सेंटीमीटर से कम होता है। इन क्षेत्रों में शुष्कता को रहने से सक्षम रागी बाजरा मूंग चना और तथा ग्वार जैसी फसलें उगाई जाती है। आर्द्र कृषि में क्या होता है, इन क्षेत्रों में वे फसलें उगाई जाती है जिन्हें पानी की अधिक आवश्यकता होती है। आर्द्र मतलब ही होता है गीला, याद रखिएगा, जैसे चावल जूट गन्ना तथा ताजे फल की पानी की जल कृषि। अधिक वर्षा के कारण ये क्षेत्र बाढ़ व मृदा अपरदन का सामना भी करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं करवा दे रहा हूँ आप लोगों को। फिर देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तर के 2 कारण बताने, तो क्या हो जाएगा कि देश के प्रमुख 15 राज्यों उत्तरी भारत के बिहार असम उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश उड़ीसा पश्चिम बंगाल और राजस्थान ऐसे राज्य जहाँ मानव विकास का निम्न स्तर पर क्यों है, देख लीजिए मानव विकास निम्न स्तर पर, इनके प्रमुख कारण में साक्षरता आता है मतलब पढ़ाई लिखाई से यहाँ पर जुड़े हुए नहीं, आर्थिक विकास का निम्न स्तर है, इसके अलावा सामाजिक राजनीतिक व ऐतिहासिक कारण भी इसके लिए उत्तरदायी है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ से देखिए पूछ रहा है कि भारत के बच्चों में घटते लिंगानुपात के 2 कारण बताने, तो भारत में लिंगानुपात जो स्त्री लिंगानुपात घट रहा है, विशेष रूप से 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिंग अनुपात के संबंध में यह बहुत ही अवांछनीय है, मतलब कि जो नहीं चाहते वो है। केरल जहाँ साक्षरता दर भारत में सर्वोच्च है के अलावा सभी राज्यों में लिंग अनुपात भी घटा है, ठीक है, आगे देखिए बोलता है कि केरल जहां साक्षरता दर भारत में सर्वोच्च है, इसके अलावा सभी राज्यों में लिंगानुपात घटा है। पंजाब व हरियाणा जैसे विकसित राज्यों में यह सबसे अधिक चिंताजनक, प्रति 1000 बालकों पर 800 से भी कम बालिकाएं। लिंग निर्धारण की वैज्ञानिक विधियों का उपयोग व सामाजिक दृष्टिकोण प्रमुख कारण है लिंगानुपात घटने के कारण, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कौन से क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सतत उष्ण विकास के, यहाँ पे देखिए 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, इसके साथ ही 2-4 क्वेश्चन जो लेंदी में आने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड वो भी करवा दे रहा हूँ आपको। सतत उष्ण विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग WBECD ने सतत पोषण विकास को 1987 ईस्वी में क्या किया है, अवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में इस तरह परिभाषित किया था, देखिए किस तरह से, एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा आवश्यकताओं को पूर्ति करना। देखिए फ्यूचर के लिए जो आने वाले ना जनरेशन उसके लिए भी सोचना हो रहता है, वही होता है सतत पोषण विकास, जो आने वाले फ्यूचर के बारे में भी हम लोग यहाँ पे सोच के चलते हैं। अब आगे देखिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंदिरा गांधी नहर कमान सिंची का क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। देखिए इंदिरा गांधी जो नहर कमान क्षेत्र में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र के विस्तार से बोए गए क्षेत्र में विस्तार हुआ है ना, तथा फसलों की सघनता में वृद्धि होगी, फसल में वृद्धि हुआ है ना ये वाला से। आगे देखिए यहाँ की पारंपरिक जो फसल थी चना बाजरा ग्वार के स्थान पर अब क्या होता है गेहूं कपास, ये देखिए पहले हो जाता था लेकिन अब ये फसल भी होने लगे, गेहूं कपास मूंगफली चावल से ले लिया है, जो कि सघन सिंचाई का क्या परिणाम है, अब पानी अच्छा से मिल जाता है तो ये सब करने में कोई दिक्कत नहीं होता। आगे देखिए पाइपलाइन परिवहन से लाभ और हानि की विवेचना करना, ये लेंदी क्वेश्चन है। तो पाइपलाइन के द्वारा द्रव एवं गैसों जैसे खनिज तेल परिष्कृत पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस तथा पेयजल आदि को परिवहन किया जाता है। आप लोगों को पता होगा पाइपलाइन से ये सारे चीज़ दिए जा सकते हैं, एक बार पाइपलाइन बिछा देने के बाद इससे आबादित प्रचालन होता रहता है तथा सस्ता और सुगम पड़ता है, इसे जल
स्थल, मरुस्थल, पर्वत, कहीं पे भी, वनों में भी आदि से निकाला जा सकता है। फिर भी कुछ हानियां भी इस परिवहन में प्रचलन में आती थी। हानियां क्या क्या? इनकी क्षमता बढ़ाई नहीं जा सकती, भूमिगत होने के कारण मरम्मत आने में दिक्कत है, सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं समझी जाती है ना, रिसाव को पता लगाना भी कठिन हो जाता है। आगे देखिए संचार से आपको क्या तात्पर्य, तो संचार क्या हो जाएगा आप लोग देख लीजिए, विचार, दर्शन व संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने को जिन माध्यम व साधनों का उपयोग किया जाता है संचार के माध्यम कहलाते हैं। याद रखिएगा ये तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग पहले से भी पढ़ते आते होंगे। अब ये देखिए ये क्वेश्चन आप लोग आ सकता है लेंदी में, भारत में परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से, इनके विकास को प्रभावित करने वाले कारण का विवेचना करें। तो भारत में परिवहन के प्रमुख साधनों को तीन वर्गों में रखा गया। देखिए स्थल वाला में रखा गया, तो स्थल में देख लीजिए सड़क मार्गों से परिवहन, रेल मार्गों से परिवहन, पाइपलाइनों से परिवहन, रोपवे से परिवहन आदि को शामिल किया गया है। किसमें? स्थल में। जल परिवहन इसके दो वर्ग हैं, देख लीजिए अंतस्थलीय जल मार्गों से परिवहन, महासागरीय जल मार्गों से परिवहन, और एक होता है वायु परिवहन। इसके अंतर्गत भी दो तरह की सेवाएं उपलब्ध है, देखिए कौन कौन, अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ सड़कें बनाना संभव नहीं होता, वहाँ पदार्थों, वस्तुओं एवं लोगों के आवागमन के लिए रज्जू व मार्ग लगाया जाता है, केबल मार्ग लगाया जाता है। ये सभी भी परिवहन के साधन में आते हैं। ये देखिए परिवहन के विकास से विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। देखिए स्थलाकृति, जब उबड़ खाबड़ हो, पर्वतीय अथवा पठारी भागों में परिवहन के साधनों का विकास मैदानी स्थान भागों की अपेक्षा कम हो जाता है, क्योंकि देखिए अब समतल भागों में रोड बनाना आसान है, वहाँ पे तो बनेगा भी नहीं, आवागमन दिक्कत हो जाता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है भारत के मैदानी भागों में रेलवे, सड़क, वही मैंने बताया सड़क और रेल का जाल बिछा हुआ है, दुनिया के सबसे सघन जालों में से एक है भारत में भी, जबकि हिमालय जो पर्वतीय भूभाग है प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत यह बहुत कम पाया जाता है, जो मतलब कि रोड वही जगह रहस है वो सब की बात कर रहा है। अब देखिए विषम जलवायु, जिन जलवायु, इन्हीं का पूरा प्रकार मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आने के इम्पोर्टेंट है, क्षेत्रों के जलवायु विषम या मानवीय क्रियाओं के प्रतिकूल है, वहाँ जनसंख्या का घनत्व एवं वितरण कम हो जाता है, इसलिए वहाँ के परिवहन भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। आगे देखिए बोल रहा है कि संसाधनों की उपलब्धता, जिन प्रदेशों में संसाधनों की प्रचुरता है वहाँ अनेक आर्थिक क्रियाओं का विकास स्वतः हो जाता है, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। औद्योगिकरण के विकास ने जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित किया, जिसके कारण वहाँ परिवहन के साधनों में भी तेजी से विकास हुआ है। अब सरकारी नीतियाँ भी इसमें डिपेंड करता है, सरकारी नीतियाँ भी किसी प्रदेश के प्रभाव को विकसित कर विकास को प्रभावित करती है। औद्योगिक संकुलों के विकास से क्या होता है, जनसंख्या आकर्षित होती है तथा उन्हें गति देने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने करवा दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, आप लोग देखते जाइए। आधुनिक जो आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सतर्कता वृद्धि का चर्चा की जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करवा दे रहा हूँ। किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर का जो सतर्कता है वो मापन इसके अंतर्गत होने वाले विभिन्न क्रियाकलापों के विकास के स्तर का आकलन करने के बाद ही संभव हो सकता है। आगे देखिए सेवा सेक्टर के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलाप कौन कौन से, देखिए वाणिज्य व्यापार, इसके दो स्तर हैं, फुटकर व्यापार और थोक व्यापार। देखिए इसमें फुटकर व्यापार के विक्रेता व थोक विक्रेता, चाहे वे ग्रामीण से हैं या अथवा शहरी परिवेश से, सभी का उद्देश्य वस्तुओं को बेचकर लाभ कमाना होता है। किसी देश में व्यापार और वाणिज्य में विशेष रूप से आधुनिक विनिर्मित वस्तुओं के क्रय व विक्रय में जितनी अधिक वृद्धि होगी विकास भी उतना ही ऊंचा होगा, ठीक है। परिवहन और संचार सुविधाएं भी इसके अंतर्गत आती है। परिवहन के द्वारा जो व्यक्ति, वस्तु, संपत्तियों को प्रत्यक्ष रूप से है ना अपने गंतव्यों तक पहुंचाना होता है, जबकि संचार की सुविधाओं के द्वारा शब्दों, विचारों, संदेशों को, चाहे वे लिखित सामग्री में हो या फिर श्रव्य दृश्य के रूप में, सभी को एक जगह से दूसरे जगह डाक सेवाओं द्वारा है ना, देखिए क्या क्या है, डाक सेवाओं द्वारा, दूर संचार द्वारा, जैसे कि ये सारी चीज़ हो गए, मोबाइल, फैक्स, इंटरनेट, रेडियो, दूरदर्शन के अलावा लिखित सामग्री में समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के द्वारा भी जन संचार के आधुनिक साधन हैं, ठीक है। इनका जितना अधिक विकास होगा लोग उतना ही अधिक से अधिक एक दृष्टि मतलब कि अधिक से अधिक उपयोग करके देश को उतना विकसित होगा, ठीक है। व्यावसायिक कुशलता भी देख लीजिए, व्यावसायिक कुशलता, अनुसंधान और उच्च प्रौद्योगिकी का निष्पादन भी आप लोगों को देश के विकास में सहायता देगा। एक बार पढ़ लीजिए, ये सारे कुशल होंगे, प्रशिक्षित डॉक्टर रहेंगे, वकील, लेखाकार, ये सभी क्या होंगे, देश के भविष्य में मतलब कि विकास में सहायता करेंगे, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले तीन भौगोलिक कारण पूछ रहा है, कौन से कारण, भौगोलिक। तो भौगोलिक देख लीजिए क्या क्या होगा, भूआकृतियाँ, जलवायु तथा मृदाएँ, उबड़ खाबड़ व उच्च भूमि की तुलना में लोग जहाँ पर समतल मैदानी भाग होता है ज़्यादा निवास करते हैं, यह तो आप लोगों को पता ही होगा। इसी तरह से विषम जलवायु की तुलना में सम जलवायु प्रदेशों में अधिक घनत्व पाया जाता है, दो कारण हो गया, तथा उपजाऊ मृदा, जहाँ पर उपजाऊ मृदा
होती है कृषि के लिए, वहाँ पे भी बंजर भूमि के कंपैरिजन में अच्छा मतलब जनसंख्या पाया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र ऐसा है क्यों, क्यों ऐसा है तो देख लीजिए, विश्व के जिन क्षेत्रों की जलवायु मानवीय क्रियाओं के अनुकूल है, भूमि समतल उपजाऊ है और खनिज से भी परिपूर्ण है, वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व ऊँचा पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, यूरोप का उत्तर पूर्वी भाग है ना, दक्षिण दक्षिण पूर्वी एशिया, ये सभी क्या है उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण यहीं पे यही इसका पाया जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग आ जाता है तो जनसंख्या परिवर्तन और वहाँ पे था जनसंख्या के भूभाग, तो जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक, और पहले हम लोग क्या बताए थे दोनों में अंतर है देख लीजिए, यहाँ पे पूछ रहा है जनसंख्या के वितरण और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये दोनों में ध्यान दीजिएगा गलत नहीं कीजिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है आप लोग को जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक, तो तीन घटक कौन कौन से हो जाएंगे, जन्म दर को देखिए तीन घर मतलब घटक कौन कौन है, घटक जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, याद रखिएगा जन्म दर प्रति हज़ार स्त्रियों पर जन्मे जीवित बच्चों की संख्या, ठीक है, और फिर मृत्यु दर में देखिए किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष की बात कर रहा है, विशेष के दौरान प्रति हज़ार जनसंख्या पर मृतकों की जो संख्या निकलती है वो आपका मृत्यु दर हो गया, और आगे क्या है प्रवास, मनुष्य व संसाधनों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने की दिशा में जो उठाए गए कदम है, इसके अंतर्गत लोग प्रतिकर्ष कारणों के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, मतलब यहाँ से खराब लग रहा है ना, रहने के लिए अनुकूल नहीं है तो दूसरे जगह चले जाते हैं है ना, तथा अपकर्ष कारणों के कारण दूसरे जगह जाकर बच जाते, इस तरह दोनों स्थानों में जनसंख्या परिवर्तन होता है। तीसरा देखिए मैंने MCQs के मतलब कि सब्जेक्टिव भी आपको प्रैक्टिस करा दिया है, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, धन्यवाद।